ये हम लोगों ने एक नल जल के लिए ग्रेवरान सेल बनाया है, ठीक है। एप्लीकेशन का आज हम डेमो देंगे आपको, सारा हम एंट्री करके भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से होता है। इसमें क्या करना है कि जो भी कंप्लेन हमारी आती है पीआरडी से रिलेटेड और पीएचडी से रिलेटेड, उसकी एंट्री हम लोग यहाँ करते हैं। और उसके बाद ये जो कंप्लेन है ये आपका टीए के पास फॉरवर्ड हो जाता है और नेक्स्ट टू पीपीआरओ और फिर डीपीआरओ के लेवल तक जाता है। अब टीए के लिए यहाँ पे 3 दिन का समय दिया गया है और बीपीआरओ के लिए यहाँ 5 दिन का समय दिया गया है उसको सॉल्व करने के लिए। नहीं तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है कि कंप्लेंट फॉरवर्ड होकर के आपके बीपीआरओ और डीपीआरओ लेवल तक पहुंच जाता है। इसमें दिखाते हैं आपको किस तरीके से कंप्लेन आता है और कंप्लेन को फिर टीए कैसे टैकल कर सकते हैं। ये हमारा यूआरएल है जिसपे ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, PRDshikayat.bgsys.co.in। ये आप देखिए यहाँ पे इसका मेन पेज है, आप यहां से देख सकते हैं कि कितना कंप्लेन पीआरडी के लिए आया है, कितना कंप्लेन पीएचडी के लिए आया है। अभी आप देखिए कि 427 कंप्लेन आया है पीआरडी के लिए और 14 कंप्लेन आया है पीएचडी के लिए। टोटल हमारा जो कंप्लेन है वो 673 दिखा रहा है। इस कंप्लेन से आपको कोई मतलब नहीं है, अभी ये सिर्फ हमारे लिए है अभी। और टोटल कंप्लेन अभी टेक्निकल असिस्टेंट के पास 674 दिखा रहा है, क्योंकि इसमें एंट्री हम लोगों ने 2-4 दिन पहले से स्टार्ट किया है तो वो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम हम लोग जनरेट नहीं किए अभी तक। लेकिन आज के बाद जिन भी डिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा उसका कंप्लेन 3 दिन के बाद ऑटोमेटिक उनके बीपीआरओ लेवल तक पहुंच जाएगा अगर आप लोग सॉल्व नहीं करते हैं तो। आज से ही आप लोग का शुरू हो जाएगा। इसमें टीए के लिए एक अलग लॉगिन है, बीपीआरओ के लिए एक अलग लॉगिन है और डीपीआरओ के लिए एक अलग लॉगिन है। सभी का लॉगिन आईडी और यूजर नेम पासवर्ड हम आपको दे देंगे, या तो हो सकता है वो एसएमएस के थ्रू आप पे चला जाए या अभी हम एक्सेल शीट जनरेट करके आप लोगों को दे देंगे। यहां से लॉगिन है, ये लॉगिन एक ही फॉर्म है तीनों के लिए, बीपीआरओ टीए और डीपीआरओ तीनों के लिए एक ही लॉगिन फॉर्म है। ये हमारा जैसे देखिए कि एक कंप्लेन आया हुआ है, जहानाबाद को हम लेकर के चलते हैं। अभी देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद है, ब्लॉक रतनी फरीदपुर पंचायत मुरहरा वार्ड नंबर 8 और विलेज हरना, इनका कंप्लेन आया है कि कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। और इसका कैटेगरी है, कैटेगरी इशू है और कैटेगरी सब कैटेगरी है कि कनेक्शन इनका नहीं मिल पाया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कंप्लेन का स्टेटस ओपन है, यानी कि अभी तक इस कंप्लेन को रिजॉल्व नहीं किया गया है, या तो ये किसी लेवल पे अभी पेंडिंग है। वो हो सकता है कि टीए लेवल पे पेंडिंग हो, बीपीआरओ लेवल पे पेंडिंग हो या डीपीआरओ लेवल पे पेंडिंग हो, ये कहीं ना कहीं ये पेंडिंग है, इसलिए यहाँ पे स्टेटस ओपन आपको दिखा रहा है। अगर यही कंप्लेन अगर आपके लेवल से सॉल्व हो जाता तो यहाँ पे ये रिजॉल्व दिखा देता। तो ये जो कंप्लेन का पार्ट है ये हमारा, ये हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ से जो भी कंप्लेन आता है। तो हम अब इसी ब्लॉक, इसी डिस्ट्रिक्ट के, इसी ब्लॉक के, इसी पंचायत के टीए के लॉगिन से हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आप लोगों को क्या करना है। जैसे आप लोगों को कंप्लेन मिला, यहाँ से कंप्लेन मिलने के बाद क्या करेंगे आप लोग, सीधा रजिस्टर करेंगे अपने यूजर आईडी से, आप लॉगिन करेंगे इस पोर्टल पे।
यहाँ ये इनका जहानाबाद के डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक मुदानगंज देवरा पंचायत का एक हम यूजर आईडी ले रहे हैं। आपको करना क्या है कि आपको लॉगिन पेज पे जाना है। लॉगिन पेज जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है, जो पासवर्ड होगा आप लोगों को ये पासवर्ड और यूजर आईडी मिल जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। देखिए आप कोई भी टीए जब लॉगिन करेंगे, हम दूसरा शेयर कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा, क्रोम शेयर करना चाह रहे हैं। चलिए देखिए, जब आप अपने यूजर आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है और पंचायत है वो आपका बाइंड रहेगा, ऑटोमेटिक बाइंड रहेगा, और आपका जो कंप्लेन है वो दिखेगा। जैसे आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद, ब्लॉक मुदानगंज, पंचायत देवरा, वार्ड 3 और विलेज तरवान मठ, ये आपका कंप्लेन नंबर है। आईडी 4x01006 ये कंप्लेन आया है। किस दिन आया है? 1/12/2020 को आया है, 11:39 पे आया है। ये क्या लिख रहे हैं कि कैटेगरी है इनका इनकम्प्लीट वर्क हुआ है, कहां पे बोर्डिंग करके छोड़ दिया गया और कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। अब आपको इस कंप्लेन को रिजोल्व करना है। सपोज कीजिए कि आपने इस कंप्लेन को रिजोल्व किया, अब आपको स्टेटस डालना है। तो स्टेटस डालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पीआरडी जो कंप्लेन नंबर है आपको उस पर क्लिक करना होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स में आपको स्टेटस अपना डालना है वहां पे। क्योंकि ये यहाँ पे ये सिस्टम बता रहा है कि ये जो कंप्लेन है आपके द्वारा नहीं हो सकता है, ये फॉरवर्ड हो चुका है आपके बीपीआरओ लेवल तक। जब आप कंप्लेन को 3 दिन के अंदर रिजोल्व नहीं करेंगे, तो आपके आपको यही एक अलर्ट बॉक्स आएगा कि आपने इस कंप्लेन को सॉल्व नहीं किया है, ये आपके बीपीआरओ लेवल तक पहुंच चुका है। अब आप अपने लेवल से आप यह इस कंप्लेन के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना होगा, अपने बीपीआरओ से संपर्क करना होगा। जब आप बीपीआरओ से संपर्क करेंगे तो उनका भी एक यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। अब उस कंप्लेन को सिर्फ बीपीआरओ ही यहाँ पे उसका स्टेटस को एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये कंप्लेन उनका मूव हो चुका है। अब आपको हम दिखाते हैं कि जो टीए लेवल पे कोई कंप्लेन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक घोसी का कंप्लेन आया है, वो हम ले लेते हैं जहानाबाद से। देखिए एक दूसरे पंचायत का हम लिए हैं जो जहानाबाद का ही है।
इसका कंप्लेन अभी तक फॉरवर्ड नहीं किया गया है बीपीआरओ लेवल तक, ये अभी टीए लेवल तक ही पेंडिंग है। टीए लेवल तक पेंडिंग इसलिए है क्योंकि ये कंप्लेन रजिस्टर 2 दिन पहले ही किया गया है। आप देख सकते हैं 12/12/2020 को है, 11:22 पे ये कंप्लेन लॉन्च किया गया है। तो जैसे ही ये अगर कल तक अगर पूरा नहीं होता है ये कंप्लेन, तो ये फिर बीपीआरओ लेवल तक मूव कर जाएगा। यानी 3 दिन सिर्फ टीए को दिया गया है इस कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए। अब मान लीजिए कि आप साइट पे पहुंचे, और वहां पे आपने देखा कि जैसे नल जल का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वहां जाकर के आपको जो भी सिनेरियो मिलता है, वहां जाकर के आप जो चीज भी देखते हैं, आपको अपना स्टेटस यहाँ लिखना है। स्टेटस लिखने के लिए क्या करना होगा, आपको कंप्लेन नंबर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही कंप्लेन नंबर पे आप क्लिक करते हैं तो एक रिमार्क्स का बॉक्स आता है, आप वहां पे गए, कुछ भी रिमार्क्स आपने दिया वहां पे, जो देखा आपने वहां पे रिमार्क्स फिल करके आप यहाँ पे फिल करते हैं। फिल करने के बाद यहाँ स्टेटस है ओपन और क्लोज। आप अगर क्लोज कर देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपने कंप्लेन को यहीं पे सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर वो कंप्लेन सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ पे रिमार्क्स डाल के सिर्फ ओपन कीजिए, यानी ये कंप्लेन अभी तक खुला हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ है। आप इसको सेव करेंगे तो देखिए आपका ये रिमार्क्स ऐड हो गया। इसमें आपने कब रिमार्क्स दिया, 15/12/2020, यानी कि अभी करंट डेट जो हम लोग अभी लेकर के चल रहे हैं, 12:31 पे आपने एक रिमार्क्स दिया है यहाँ पे यहाँ के काम के लिए कि क्यों नहीं ये पूरा हो रहा है। तो ये आपका सिस्टम में जनरेट हो जाता है आपका रिमार्क्स। उसके बाद फिर आप साइट विजिट करते हैं, फिर वहां पे देखते हैं कि कुछ आया है कुछ रिमार्क्स, तो आप वहां पे रिमार्क्स दे करके आप इसको अभी तक सेव नहीं किया आपने क्योंकि प्रॉब्लम सेव नहीं हुआ है, सेव का मैसेज भी देगा यहाँ पे, ये डाटा सेव सक्सेसफुली। अब सपोज कीजिए कि थर्ड डे आप पहुंचते हैं वहां पे और साइट पे देखते हैं कि काम मेरा पूरा हो गया है, सब कुछ पानी नल से पानी आ रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ रिमार्क्स दे करके इसके स्टेटस को क्लोज कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, ये आपने सॉल्व कर दिया, इसका एक कंप्लेन आपका सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब आप देखिए जो कंप्लेन स्टेटस मेरा ओपन आ रहा था, ये क्लोज हो गया। देखिए यहाँ पे भी कंप्लेन स्टेटस आपका चेंज हो गया कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ये क्लोज्ड हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे कि यहाँ पे रिमार्क्स दे करके अपना जो भी कमेंट्स होगा वो यहाँ पे डालेंगे। अगर वो इस चीज को नहीं कर पाते हैं 3 दिन के अंदर, तो वो फिर बीपीआरओ लेवल पे मूव कर जाएगा, और बीपीआरओ अगर 5 दिन के अंदर नहीं करते हैं इस चीज को, तो फिर वो डीपीआरओ लेवल तक मूव कर जाएगा। यानी कि ये जो सिस्टम बना है वो बॉटम टू टॉप एक्सक्लेट कर रहा है, इसलिए आप लोग को थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो भी कंप्लेन रजिस्टर होता है, जिस दिन कंप्लेन रजिस्टर हुआ, जिस समय कंप्लेन रजिस्टर हुआ, डायरेक्टली आपके मेल पर एक मेल फॉरवर्ड हो जाता है यहां से, सिस्टम जनरेटेड मेल, कि किस पंचायत, किस डिस्ट्रिक्ट और किस ब्लॉक में ये कंप्लेन, कहां से कंप्लेन आया है और ये कंप्लेन क्या है। आप लोग डेली बेस पे आप अपना ईमेल चेक करेंगे कि किस दिन कंप्लेन आया है, क्योंकि कंप्लेन किसी दिन भी आ सकता है। तो एक आदत से डालिए कि अपना ईमेल डेली पर डे आप चेक करेंगे। वैसे सिस्टम ऐसा भी बन रहा है कि आपको डायरेक्ट एसएमएस के थ्रू भी इसका सूचना मिल जाए कि क्या हो रहा है। जैसे ये कंप्लेन आपने सॉल्व कर दिया, तो हमारा एक डैशबोर्ड भी है, डैशबोर्ड पे भी आप रिपोर्ट सेक्शन देख सकते हैं इसका। देखिए जैसे अभी हमारे पास कंप्लेन जो आया है वो हम लोगों ने दिखाया, जैसे अररिया में टोटल कंप्लेन आपका 2 है, पेंडिंग कंप्लेन आपका 2 है, अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया है इस कंप्लेन को। तो ये सब हमारा जो डैशबोर्ड है उस पर टोटल डिस्ट्रिक्ट का हम लोग काउंट दिखाते हैं, कहां से कितना कंप्लेन अभी आ रहा है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद एक हमारा समरी रिपोर्ट है, समरी रिपोर्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके यहां से चूज कर सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्या कंप्लेन आया है। आप यहाँ पे देखिए कि आपको एक जनरल डिटेल्स दिखाएगा जिसमें आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक, पंचायत, ये डिटेल्स रहेगा। किसने कंप्लेन किया है वो दिखाएगा आपका, उसका मोबाइल नंबर दिखाएगा, कंप्लेन का क्या नंबर है वो दिखाएगा, कंप्लेन किस दिन सबमिट हुआ है वो दिखाता है, क्या कंप्लेन है वो दिखा रहा है यहाँ पे, स्टेटस दिखा रहा है आपका कि क्या है, ओपन है या क्लोज है, किया गया है। देखिए अभी जैसे हमने एक जहानाबाद के घोसी का लिया था, आप यहाँ पे देखिए कि इसका स्टेटस अभी रिजॉल्व दिखा रहा है, यानी कि इसको टीए ने
कंप्लीट कर दिया, इसको रिजॉल्व कर दिया, इसलिए यहाँ पे रिजॉल्व दिखा रहा है। बाकी का स्टेटस आप देखिए यहाँ पे नीचे में ओपन दिखा रहा है, यानी ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। बगल में उसका ऑथोरिटी डिटेल्स है कि उसका डेजिग्नेशन क्या है, नाम क्या है। जैसे देखिए डेजिग्नेशन अभी किस लेवल पे है वो, यानी कि ये बीपीआरओ लेवल तक मूव कर चुका है, तो उनके बीपीआरओ का नाम यहाँ आ रहा है कि डेजिग्नेशन बीपीआरओ है, उनका नेम ये है, उनका फोन नंबर ये है और उनका ईमेल आईडी ये है। तो आप यहां से इस चीज को देख भी सकते हैं। उसके बाद पब्लिक यूज के लिए हम लोगों ने एक स्टेटस का कॉलम रखा है कि जहां से आप अपना स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। यहां से जैसे कंप्लेंट नंबर हमने डाला, यहां सबमिट किया, अभी देखिए रिमार्क्स जो है आपका बॉटम टू टॉप जाएगा। स्टेटस यहां पे क्या है, रिजॉल्व दिखा रहा है। रिमार्क्स उन्होंने वन दिया था, किसके द्वारा किया गया था, टीए के द्वारा, उनका यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर और किस डेट में उन्होंने सबमिट किया था इस रिमार्क्स को, वो सारा टाइमिंग आपको दिखाएगा यहाँ पे। ये सारा आपका दिखाएगा कि क्या स्टेटस आपका रहा है, ठीक है। तो यही है आपका ग्रीवांस सेल का कैसे काम होता है, कैसे टीए लॉगिन करेंगे, कैसे बीपीआरओ लॉगिन करेंगे, कैसे डीपीआरओ लॉगिन करेंगे। आपका इस आज जिनका भी ट्रेनिंग है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट को आज का ये यूजर आईडी और